another standard of UKIC official. My name is Kushali Kachhi और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का पार्ट बी। अगर आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो भाई, लाइक करो, कमेंट करो। अब कमेंट में क्या करोगे? चलो अब मुझे अब भी माइंड में आइडिया है, ठीक है, जीनियस लिखो। अब हम लोग जाते हैं आगे भाई जीनियस लिखने के, तो मुझे पता चला तुम देख रहे हो यार पूरा का पूरा वीडियो। तो ये यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स पार्ट बी में आ गए। तो पार्ट बी में हम लोग देखने वाले क्या है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, अगर आप लोग वो वीडियो देख के नहीं आए तो जाके देख करो, क्योंकि हम लोगों ने ब्रीफ किया है कि भाई ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन क्या है, और ये आप लोगों ने ऑलरेडी 10th में पढ़ा है, बट स्टिल आपको मैंने ब्रीफ दिया। अब जाते हैं हम लोग आगे जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या सिचुएशन हुई, क्या क्या चेंजेस आए गए हमारे वहाँ पे। तो हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी किस हिसाब से बनाया गया था, इंडिया का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मेजरली ये चार चीज़ों पे फोकस करता है। पहली चीज़ कि कुछ भी हो जाए हमें हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है उसको बचा के रखना है, ऐसा ना हो कि बाहर की कॉम्पिटिशन, बाहर के मार्केट से कोई भी आ जाए और हमारे लोगों को नुकसान पहुँचाए। तो हमारा पहला एक टारगेट रहेगा कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हम लोग बचा के प्रोटेक्ट करके रखें। दूसरा है कि जब लगे कि कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है तुरंत ही हम लोग क्या करें, बाहर से इंपोर्ट कर दें, क्योंकि जैसे ही टेक्नोलॉजी आएगी, जैसे ही मशीनरी आएगी, जो भी चीज़ें हमें अवेलेबल रहेगी उससे हम नई प्रोडक्ट्स बना पाएंगे और वो चीज़ हम बेच पाएंगे। वरना तो क्या होगा कि हम लोग मेहनत करते रहेंगे पर स्टिल हम लोग वो जगह तक पहुँच नहीं पाएंगे जहाँ तक हमें जाना है। देन आता है कि भाई इन लोगों को बोला गया कि जितनी भी, देखो भाई टेक्नोलॉजी क्यों मंगाई जाती थी, सिंपल सी चीज़ें, हम लोगों ने बोला कि अगर आप गुड्स बनाओगे तो हम लोग बेच पाएंगे। तो बेचेंगे कहाँ पे? ग्लोबल मार्केट में बेचेंगे, तो भाई हम लोगों को क्या मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन सारी चीज़ों पर फोकस करती थी, और साथ ही साथ हमारे स्मॉल स्केल सेक्टर्स जो भी थे, जितने भी हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने प्रमोट किया कि आप भी आगे बढ़ो, जितना आप आगे बढ़ोगे उतना हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ये चीज़ हमारी इंडियन फॉरेन ट्रेड जो पॉलिसी थी, इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, वो इन सारी चीज़ों पे फोकस करती है। देन आती है कि इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बिफोर ग्लोबलाइजेशन, मतलब 1991 के पहले हमारी सिचुएशन किस हिसाब से थी वो हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि आफ्टर ग्लोबलाइजेशन किस हिसाब से पूरे सिनारियो हो गया था। ओके तो अब देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ था। तो हम लोगों ने सबसे पहले फोकस किस पे किया था, खाली डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे, ठीक है, और इसी वजह से एक रीज़न ये था कि हमें डोमेस्टिक जो भी हमारे वहाँ पे थे डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उसको इसलिए प्रोटेक्ट करना था कि हमें आइडिया पहले से था कि अगर फॉरेन की कंपनीज यहाँ पे सेटअप हो जाएगी या तो कोई भी चीज़ होगा तो फॉरेन कॉम्पिटिशन कभी भी हम लोगों को अलाउ नहीं करेंगे, हमारी डोमेस्टिक जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसको ग्रो करने के लिए वो लोग अलाउ नहीं करने वाले। और इसी वजह से हम लोगों ने क्या कर दिया था, उन लोगों पे इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस कर दिया था कि अगर आप बाहर से भी कोई चीज़ मंगाओगे तो भी अलाउड नहीं है, जो भी आपको यूज़ करना है आपको यहाँ का ही यूज़ करना रहेगा। तो हम लोगों ने वो पॉलिसीज़ बनाई थी, और इसी वजह से बाद में हम लोग एक्सपोर्ट को भी प्रमोट करते थे कि आप बनाओ और हम लोग बाहर बेचेंगे। सबसे पहली चीज़ ये हुई कि हमारे बिफोर 1991 हमारे पास ऑलरेडी स्केयरसिटी थी फॉरेन एक्सचेंज की। अब ये फॉरेन एक्सचेंज आएगा कहाँ से? हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तभी हमें पैसा मिलेगा, यहाँ से गुड्स भेजेंगे तो बाहर की कंट्रीज से हमें लोगों को पैसा मिलेगा। सही बात। पर हुआ ये कि पहली चीज़ एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमारे पास क्वालिटी गुड्स होने चाहिए, वैसे गुड्स के लोगों को भी अच्छे लगे, उनकी डिमांड आए हमारे लिए। और इसी वजह से हुआ ये कि सबसे पहले तो हमें और खर्चा करना पड़ा बाहर से इम्पोर्ट करने के लिए। हम लोगों ने बहुत सारी मशीनरी और टेक्नोलॉजी परचेज की, क्योंकि हमें पता था कि पहले वो खरीदते हैं, प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उसके बाद वहाँ पे बेचेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा डेफिसिट हो चुका था ना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेफिसिट? डेफिसिट का मतलब ये होता है कि हम लोग ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा माइनस में चले गए थे, कि हम लोग कमाते थे कम और खर्चा ज़्यादा कर रहे थे। तो ये सिचुएशन आई थी, और इसी वजह से इंडिया ने जो है वो एक पॉलिसी एस्टैब्लिश की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसे बोला जाता है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन? कि जो चीज़ आप पहले बाहर से मंगाते थे, सब्सटीट्यूट का मतलब तो ऑलरेडी हम लोगों ने इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, सब्सटीट्यूट गुड्स, एक की जगह पे दूसरा आप कर लो, ठीक है, यूज़ कर लो, कॉफ़ी की जगह पे चाय आप पी सकते हो, उस हिसाब से जो चीज़ आप बाहर से मंगाते थे अब आप वही अपनी कंट्री में बना रहे हो, और इसी वजह से इसे बोला जाता है इम्पोर्ट। जो पहले हम लोग इम्पोर्ट को हम लोगों ने सब्सटीट्यूट कर दिया हमारे खुद के बनाए गए गुड्स और रॉ मटेरियल्स के साथ, ठीक है।
तो ये हो गया। और साथ ही साथ एक दूसरी चीज़ भी हम लोगों ने उस सिनारियों में क्या देखी, हम लोगों ने हमारे रुपी की जो वैल्यू है वो डी वैल्यू करते गए, धीरे 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 कम करते गए। और हम लोग देख सकते हैं अब डॉलर और रुपी में कितना डिफरेंस है, ठीक है। $1 इज इक्वल टू रुपीज में अगर देखने जाए तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। हम लोगों ने वो भी हम लोगों ने किया बिफोर 1991। आफ्टर 1991 ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। 1991 के बाद हमारा ट्रेड बढ़ा, हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा, हम लोगों ने जो है वो ज़्यादा ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो ओपन और आउटवर्ड लुकिंग बनाए। पहले हम लोग डोमेस्टिक सारी चीज़ों को बचा के रखते थे, अब हम लोगों ने बोला कि नहीं, हम सारे लोगों को चांस देंगे, देखते हैं क्या होता है। तो एक ये हुआ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, ठीक है। और जब लाइसेंस मिल जाता है तो आप हर एक जगह पे वैरायटी ऑफ गुड्स बेच सकते हो। तो इंडिया में आके फॉरेन कंपनीज ने भी बेचे और हम लोगों ने भी वहाँ पे जाके बेचना स्टार्ट कर दिया। दूसरी चीज़ हमारा यही था कि हम लोगों ने क्या किया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 1995 में हम लोग एक मेंबर बन गए और उनके रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से हम लोगों ने काम किया। पर उससे भी हमें फ़ायदा हुआ, हमारा ट्रेड जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा। तो ये सारे पॉजिटिव चेंजेस आए आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। अगर आपको ये सारी नोट्स चाहिए तो आप www.ukiconline.com पे जा सकते हो। एंड्रॉयड और iOS की एप्लीकेशन भी है और कौतिली वैस में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ये सारी की सारी नोट्स मिल जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं लेके आया हूँ। पता है मैं आपके वीडियो के बीच में आया, पर ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए, एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो मैं लेके आया हूँ आप सब बच्चों के लिए, जो लोग 12th स्टैंडर्ड 23-24 के अंदर है, दैट मीन्स आप लोग मार्च 2024 के अंदर जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उन सबके लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम लोग एक बैच लेके आए 12th की, जिसका नाम है कॉमर्स के बाजीगर्स। अब कॉमर्स के बाजीगर्स बैच के अंदर हम लोग ये पर्सनलाइज बैच जो है वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हम लोग ने डिजाइन किया, और ये बैच जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके ड्रीम मार्क्स अचीव करने के लिए। आपने जो टारगेट सेट किया होगा, आपका जो पोटेंशियल होगा वहां तक आप जा पाओगे। और ये पूरी बैच के अंदर जो फैकल्टीज रहेंगे वो सेम जो आप लोग को ये यूट्यूब के अंदर जो पढ़ा रहे हैं वो डॉक्टर उदयन कच्छी, जो अकाउंट्स और स्टेट्स लेंगे जो वो मैं हूँ भाई, खुशाली मैम जो होंगे वो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, OCM और BA जो है वो डिम्पल मैडम पढ़ाएंगे। तो ये सारे के सारे जो नॉन फेसेस है द बेस्ट एजुकेशन, जहाँ पे आपके दिमाग के अंदर वो सारी बातें जो डाल दिए जाते हैं मस्ती मस्ती के अंदर, मीम्स के साथ, मज़े के साथ, जो आप लोग को कम टाइम के अंदर ज़्यादा कंटेंट जो मिल जाता है, जो क्वालिटी कंटेंट मिलता है, वो सारी चीज़ें हम लोग लेके आए कॉमर्स के बाजीगर बैच। इसके सारी मेजर डिटेल्स अगर आपको ऐसा है कि सर और थोड़ा डिटेल्स चाहिए हमें, तो एक मेन वीडियो है, वो मेन वीडियो को जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने डिटेल्स के अंदर सारी प्रोसीजर बताई हुई है। और लास्ट में जो मैंने बोल रहा था निष्काम पटेल, मिकुल पटेल, ट्विंकल मेहता के बारे में, तो ये सारे हमारे बोर्ड रैंकर्स हैं, उन सबकी डिटेल्स भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। बाय बाय, सी यू टाटा, कंटिन्यू योर लेक्चर। अब जाते हैं आगे। अब जब हम लोगों ने तोल भाव किया कि भाई हम लोगों ने ये LPG तो लेकर आए, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो इसके पॉजिटिव आउटकम्स आए या नेगेटिव? तो क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम लोग करते हैं तो एंड में हम लोग एक इवेल्यूएट करते हैं कि प्लस हुआ या माइनस हुआ ये चीज़ करने के बाद। सेम चीज़ इन लोगों ने भी की, तो हम लोगों ने फेवरेबल और अनफेवरेबल इफेक्ट्स में ही आता है ये जो है। पूरा का पूरा आंसर आपको 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स में इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं, और काफ़ी जो स्कूल्स होती है वो तो दोनों अलग अलग 5 मार्कर में पूछ रहे, इतने ऑप्शन है 5 मार्कर में पूछने के लिए। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ फेवरेबल इफेक्ट्स में, क्या क्या हुआ। तो पहली चीज़ ये हुई कि हमारे इंटरनेशनल क्वालिटी गुड्स जो है हमें जो है वो अब धीरे धीरे रिजनेबल प्राइस में मिलने लगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग बाहर से लोगों को हम लोगों ने इनवाइट कर लिया था, तो हमें इंटरनेशनल क्वालिटी गुड्स मिलने लगी। हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व जो डेफिसिट में था वो प्लस में चला गया, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट करने लगे थे, तो ये पॉजिटिव हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोगों ने हमारा डेब्ट बर्डन भी धीरे धीरे कम करना स्टार्ट किया। द ओनली रीज़न इज क्योंकि हम लोगों ने FDI और साथ ही साथ FII को अलाउ किया कि आप आओ और हमारे वहाँ पे ट्रेड करो, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है। बाद में हम लोगों ने दूसरा क्या फ़ायदा हुआ इसमें से, हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया, इन्वेस्टमेंट करवाने स्टार्ट किए, एम्प्लॉयमेंट दिया प्राइवेट सेक्टर ने कितने सारे लोगों को, ये सारे फ़ायदे तो LPG ने केयर करवाए हैं। बाद में आता है जो मोबिलिटी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, वो इंक्रीज हुई। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी इंक्रीज हुई यहाँ से वहाँ पे जाने का। रेगुलेशंस, करप्शंस और एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी बैरियर्स थे ये सारे के सारे कम होते गए, क्योंकि सारे लोगों के सामने ट्रांसपेरेंसी आना स्टार्ट हुआ।
हम लोगों ने जो निगलेक्टेड सेक्टर्स पहले थे कि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्यों करना है हम लोगों को, वो सारी चीज़ों पे हम लोगों ने फोकस किया और हम लोगों ने रेलवे को भी मॉडर्नाइजेशन करने के तरफ हम लोग मुड़ने लगे। हम लोग देख रहे हैं सिचुएशन क्या हुई 1991 के बाद, आज की प्रेजेंट सिचुएशन उतना हम लोग नहीं, उसके बाद क्या क्या पॉजिटिव आउटकम हुए, ठीक है। बाद में हम लोगों को वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिली और कल्चरल और साथ ही साथ हमारा सोशल टाइज दूसरे नेशन के साथ इम्प्रूव हुआ। हम लोग कल्चरली उनके बारे में समझ रहे हैं, ट्रेडिशनली वो लोग क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें भी समझ में आने लगी और हम उनका भी अडेप्ट करने लगे जहाँ जहाँ पर हमें अच्छा लगने लगा। तो ये फ़ायदे हुए। अब अनफेवरेबल फैक्टर्स क्या हुए, अनफेवरेबल इफ़ेक्ट्स क्या हुए बेसिकली। तो पहली चीज़ जो है वो बेचारी जो हमारी स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज थी जिसको हम लोगों को बचाना था, क्योंकि बाहर के अगर कोई कंपनी आ जाए, फॉरेन कंपनीज आए, तो उसके सामने हम नहीं उनको बचा पाते, तो वो तो होने वाला तो वो हो ही गया भाई। स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा फटका होने लगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने लगी धीरे धीरे। गवर्नमेंट जो थी वो सब्सिडीज जनरली गवर्नमेंट देती है, पर गवर्नमेंट ने बोला कि भाई फेयर अगर कॉम्पिटिशन करनी है तो हम इतना नहीं बचाएंगे, तो हम लोगों ने गवर्नमेंट ने सब्सिडीज ले ली। तो भाई एक दूसरा इन लोगों को ये भी एक झटका लगा, और तीसरा झटका लगा कि एक्सचेंज रेट जो है वो फ्लक्चुएटिंग था, एक जगह पे कांस्टेंट नहीं रहता था, तो कभी भी भाव बढ़ जाता था, डॉलर का भाव बढ़ जाता था या तो फिर काफ़ी बार कम हो जाता था। तो ये फ्लक्चुएटिंग के वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा फटका हुआ। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। बाद में फॉरेन कंपनीज ने क्या स्टार्ट किया, इन लोगों ने तो भाई हल्ला मचा दिया। ये लोगों को ऑलरेडी सारी चीज़ें सस्ते में मिल रही है, वहाँ पे उनका इतना बड़ा प्रोडक्शन प्रोसीजर है और इसी वजह से लो कॉस्ट में वो लोग प्रोड्यूस करने लगे थे क्योंकि बल्क में प्रोडक्शन हो रहा था। वो लोग क्या करते थे, सस्ते दाम में आके धड़ाधड़ी लोगों को बेचना स्टार्ट कर रहे थे। भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। जब कोई भी कंपनी सस्ते दाम में कोई चीज़ बेचना स्टार्ट कर देती है, हम लोग पहले तो देखते ही क्या है, फॉरेन कंपनी सेलिंग गुड्स एट लो प्राइस, बहुत कम के दाम पे, क्योंकि उनको कोई कंपटीशन उस टाइम पे नहीं चाहिए, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डंपिंग। और उन लोगों ने क्या किया, हमारे मार्केट में आके बेचना स्टार्ट कर दिया और हम सारे लोगों को क्योंकि सस्ता मिल रहा है तो हम लोगों ने सोचा कि भाई इन लोगों को हम लोग ले लेते हैं, यही प्रोडक्ट ले लेते हैं। हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया और एट द एंड हुआ क्या कि हमारे खुद की जो कंपनीज थी, हमारे खुद के जो बेचारे लोग खुद बना के कोई चीज़ बेच रहे थे, हम लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया। तो डंपिंग प्रोसीजर से हुआ क्या कि हमारी इकोनॉमी में ये एक लोचा हुआ हमारी खुद की कंपनीज के लिए। उसके बाद हुआ ये कि WTO की पॉलिसीज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर तो 1995 में बन गए थे, ट्रेड बहुत इम्प्रूव हुआ पर उनकी पॉलिसीज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी और वो पॉलिसीज़ को हमें हर जगह पे देखना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जहाँ पे हम लोग कर रहे थे तो उसमें बहुत हेक्टिक पूरा हमें एक प्रोसीजर फॉलो करनी रहती थी जो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए टायर्सम हो जाती थी। उसके बाद ये हुआ कि ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन तो बढ़ रहा था, सही में अच्छे से हो रहा था, पर जो बढ़ने के लिए जो रफ्तार चाहिए, जो स्पीड चाहिए, वो उतनी स्पीड नहीं थी। द ओनली रीज़न वॉज कि हमारे पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कुछ हमारा कुछ इस हिसाब से था, ठीक है। रेलवेज काफ़ी जगह पे ऐसी थी कि हम लोग नहीं पहुंच पाते थे, या तो फिर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज उतनी नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी अगर हमें बिजनेस सेटअप करना है, इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो उतनी सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ठीक है। और धीरे धीरे लोगों का प्रोडक्शन और डिमांड लाइफस्टाइल गुड्स का ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेयर टू नेसेसिटी। लोगों को ऐसा लगने लगा कि फॉरेन कंपनी जाके वैसे प्रोडक्ट मार्केट करते थे, तो उन लोगों ने उस हिसाब से मार्केट करना स्टार्ट किया। जैसे कि उन लोगों ने ऐसा सोचा कि भाई मोबाइल लेना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू आपके घर की रोटी, ठीक है। मतलब जो है हमारे वहाँ पे बेसिक नेसेसिटी ये मानी जाती है, रोटी कपड़ा मकान, तो वो तो आपका सेकेंडरी, पर पहले आप मोबाइल लो, ये मोबाइल कितना अच्छा है, अब वो खरीदो। तो उस हिसाब से उन लोगों ने उस हिसाब से मार्केट होने लगा कि लोग जो है वो लाइफस्टाइल गुड्स पे ज़्यादा फोकस करने लगे एज़ कम्पेयर टू जो नेसेसिटी है उस पे नहीं, कि न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ें खानी चाहिए, उन सारी चीज़ों पे फोकस करना बंद कर दिया। और धीरे धीरे हमारे खुद के जो सोशल और कल्चरल फाउंडेशन थे, देखो प्लस पॉइंट में भी था और नेगेटिव पॉइंट में भी है कि हमारा खुद का कल्चर जो है वो हम लोगों ने धीरे धीरे क्या कर दिया, हमारा थ्रेटन होने लगा, हिलने लगा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पूरा चैप्टर नंबर 8 में आपकी डिस्कस की गई है। यहाँ पे ख़त्म होता है आपका आंसर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए एवरीवन बाय बाय। क्या बोल रहे हो बच्चे, यूट्यूब के वीडियो देखने से अच्छा इंस्टाग्राम पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते, ये सच है। जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को
एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो और फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर।